well. So the question is, can we measure the potential difference, or sorry, the EMF of a cell using a voltmeter? Say this is a voltmeter and this is a cell. ये एक वोल्टमीटर है, ये एक सेल है जिसको हम लोगों ने एक सर्किट में डाल के रखा है। तो ऑब्वियसली ये अगर एक क्लोज सर्किट बना रहा है तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो जब करंट फ्लो करेगा तब वोल्टमीटर जो मेजर करेगा दैट इज द एक्सटर्नल पीडी, वो सेल का ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट, मतलब व्हेन इट इज नॉट सेंडिंग एनी करंट टू द सर्किट, सर्किट में कोई करंट सेंड नहीं कर रहा है, मतलब आई शुड बी जीरो, तब जो ईएमएफ, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एक्स ऑफ अ सेल दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल, राइट। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, नेक्स्ट जो सिचुएशन हम बता रहे हैं, ये सिचुएशन का हेल्प लेना है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। क्या हेल्प लेना है? एक बहुत इजी सा मेथड है कि मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और इसका ईएमएफ तुमको पता है, मान लो 1.5 वोल्ट है, ठीक है, और एक सेल है जिसका ईएमएफ तुमको पता नहीं है, कितना ईएमएफ है तुमको पता नहीं है, कितना ईएमएफ है तुमको पता नहीं है। तुमने क्या किया, ये सेल को इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया सीरीज में, राइट, देख के पैरेलल में लग रहा है, राइट। सो ये एक सिंगल सर्किट है ना, तो सिंगल सर्किट में पैरेलल बोल के कुछ नहीं होता है, यहाँ पर पूरा सीरीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट जो ड्राइव होगा वो सेम करंट इसमें से भी पास करेगा, इसमें से भी पास करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो ये सेल और ये सेल सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, क्योंकि ये सेल इधर करंट सेंड करना चाहेगा, ये सेल इधर करंट सेंड करना चाहेगा। सो अगर मैंने इसके साथ ये ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और देखा कि यहाँ पर मैंने एक एमीटर डाल दिया मैंने और देखा कि एमीटर में रीडिंग आ रहा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड? ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं कर रहा, हाँ, राइट, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब क्या सर्किट? ओपन सर्किट। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ये वाला सेल के ईएमएफ के बारे में क्या बोल सकते हो? एग्जैक्टली क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, तभी तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो जाएगा और नेट सर्किट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। कैन आई से दैट कि इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ सेम है, राइट, तब हम बोल सकते हैं इसका ईएमएफ भी 1.5 वोल्ट होगा। अब ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं? द रीजन इज देयर इज नो करंट इन द सर्किट। तो अगर हम लोगों को एक सेल का ईएमएफ मेजर करना है तो हम लोगों को एक जीरो करंट ड्राइविंग सर्किट बनाना है, मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज डन बाय अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये काम करता है, क्या करता है, वो ईएमएफ मेजर कर सकता है। कैसे मेजर कर सकता है? नितिश, बाय क्रिएटिंग एन ओपन सर्किट ऑल्दो इट अपीयर्स टू बी क्लोज्ड, मतलब सी दिस सर्किट इज क्लोज्ड बट द करंट इन द सर्किट इज जीरो, सो यू कैन कॉल इट अ क्लियर। अब बनता कैसे पोटेंशियोमीटर, अगर हम लोग एक बहुत सिंपल सा पोटेंशियोमीटर क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, जहां पर हम लोग एक ड्राइवर सेल रखते हैं, पोटेंशियोमीटर में ऑलवेज एक ड्राइवर सेल रहता है। ड्राइवर सेल क्या करता है? ड्राइवर सेल क्या कंडीशन क्या है? हाँ, मतलब अगर एक क्लोज सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो यू कैन कॉल इट अ ओपन सर्किट। अगर एक क्लोज सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है यू कॉल इट अ ओपन सर्किट। पूरा बोर्ड दिख रहा है? वेल नाउ दिस इज कॉल्ड अ व्हाट? ड्राइवर सेल। दिस इज अ रियोस्टैट। यू नो व्हाट इज अ रियोस्टैट? रियोस्टैट क्या होता है मालूम है सब लोगों को? अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सर्टेन लेंथ का वायर लगा हुआ होता है, जो लेंथ हम लोगों को पता होना चाहिए। मीटर ब्रिज के जैसे 100 सेंटीमीटर ही होना पड़ेगा ऐसा जरूरी, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, कुछ लेंथ, कुछ भी लेंथ हो सकता है, एनी लेंथ, कोई भी लेंथ हो सकता है, सिर्फ हम लोगों को वो लेंथ पता होना चाहिए। वी नीड टू नो दैट लेंथ। मान लो ए है, ये पॉइंट बी है।
अब मुझे बता सकते हो ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल में रहेगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल में रहेगा? ए देखो प्लस के साथ करेंगे ना, पॉजिटिव टर्म के साथ करेंगे रहा है, तो ऑब्वियसली ये हायर पोटेंशियल में रहेगा, ये लोअर पोटेंशियल में रहेगा, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ करंट अलोंग दिस डायरेक्शन इन द सर्किट. ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनना. एक सेल ले रहे हैं, ठीक है, जिसका ईएमएफ हम लोगों को पता, लेके हम लोग उस सेल का पॉजिटिव वाला टर्मिनल इधर कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव वाला टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके यहां पर जॉकी से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो जब कनेक्ट करेंगे तब ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर ही सकता है कोई भी डायरेक्शन. अब हम लोग जॉकी का पोजीशन चेंज करेंगे ताकि हम लोग को क्या मिले, क्या मिले, अलग रेजिस्टेंस. हम लोग ये जॉकी का पोजीशन चेंज करेंगे, हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बैलेंस. हाँ, ये 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 ऊपर वाला सर्किट क्लोज सर्किट है या ओपन सर्किट है? क्लोज्ड है. मुझे ये सेल का ईएमएफ मेजर करना है, आई वांट टू मेजर द ईएमएफ ऑफ दिस सेल. तो ये सेल को हम लोग क्या सर्किट में डालने का कोशिश करेंगे, क्लोज सर्किट या ओपन सर्किट? ओपन सर्किट. मतलब हम लोग क्या चाहेंगे, करंट फ्लो करे या ना करे? मतलब ये गैल्वेनोमीटर का जॉकी जो है हम लोग चेंज करते रहेंगे कब तक? I zero हो जाए. जब तक वो बैलेंस पॉइंट पे ना पहुंचे. बैलेंस मतलब जीरो करंट पोजीशन. जैसे वो जीरो करंट पोजीशन में पहुंच जाएगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेल क्या सर्किट में है, ओपन सर्किट. तो ये दो पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट शुड बी बैलेंसिंग व्हाट, ईएमएफ ऑफ दिस सेल. ये दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट शुड बी बैलेंसिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल. व्हाई वुड वी से ईएमएफ ऑफ द सेल, बिकॉज इट इज इन अ ओपन सर्किट. सादिक को समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या होता है, सुन रहे हैं? अच्छा, सो केशव समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, सो जस्ट क्विकली गिव द हेडिंग पोटेंशियोमीटर और जल्दी से ये वाला डायग्राम एक बार बाकी बना लो. पोटेंशियोमीटर नहीं, कहाँ वोल्टमीटर है? वोल्टमीटर तो हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके बना देते हैं. पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. डिफरेंस ये है कि वोल्टमीटर क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और ये पोटेंशियोमीटर जो है वो ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. समझा? जल्दी से बना लो, बना लिया डायग्राम? हाँ, यस सर, यस सर. डायग्राम बना लिया? हाँ यार, नाउ जस्ट राइट, राइट दिस डाउन. Potentiometer is a device that measures potential difference in an open circuit. That measures potential difference in an open circuit. Potential difference in an open circuit. In an open circuit. Here, E1 is the driver cell, RH is a rheostat, it's a variable resistance. And the length of the uniform wire AB, BL, length of the uniform wire AB, BL, ठीक है, ठीक है.
a cell of unknown EMF, a cell of unknown EMF, unknown EMF, E. A cell of unknown EMF E, that means this cell, is connected in such a way that the positive terminal is joined to the point capital A, positive terminal is joined to capital A, and a galvanometer is connected to the negative end, where the galvanometer, the other end of the galvanometer is connected to the wire AB through a jockey. Other end of the galvanometer is connected to the wire AB through a jockey. Is that clear? अच्छा, मान लो ये जो करंट है ये I है. So लिखो, let the driver cell send a current I to the circuit. Send a current I to the circuit. Okay? The balance point is obtained at the point C. The balance point is obtained at the point C. Balance point is obtained at the point C. At the point C. Okay? What do you mean by balance point? Where I becomes zero. Kiska I becomes zero? Circuit ka ye wala I? Nahi. Galvanometer mein zero. Matlab ye niche wala circuit mein koi current flow nahi karega. Upar wala circuit mein current flow karega jaise kar raha hai. Theek hai? So right? Balance point means galvanometer. Hindi mein likh rahi hai. Niche wala current circuit mein current nahi karega. Just write that no current flows through the galvanometer. Balance point means no current flows through the galvanometer. Balance point means no current flows through the galvanometer. No current flows through the galvanometer. That is, E is an open circuit. E is an open circuit. ठीक है? अच्छा, ये जो length of AC है, let AC be L1. AC का length हम लोग L1 ले लें. AC का length L1 ले लें. ठीक है? और ये भी पूरा का length कितना है? L है, right? अब मुझे एक चीज ध्यान से सुनो और बताओ, ये ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या? कैन वी फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी? कैसे? वोल्टमीटर लगा के हो जाएगा. सो मान लो हम लोगों के पास वोल्टमीटर नहीं है, हम लोगों के पास एक एमीटर है जो ये करंट रीड कर सकता है, सर्किट करंट. यहाँ पर एमीटर सर्किट करंट रीड कर सकता है
और EMF दिया हुआ है और external resistance मतलब rheostat का resistance दिया हुआ है, तो क्या हम लोग ये वाला दो point के बीच में potential difference निकाल सकते हैं? V को डायर करके निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, कैसे? पहले हम लोग बोलेंगे कि इसका जो resistance है इसको capital R ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो बोलेंगे total resistance, circuit resistance क्या हो जाएगा? Total circuit resistance, ये लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है तुम लोगों का, ठीक है? Don't write this. Total circuit resistance क्या हो जाएगा? RH plus R, हाँ या ना बताओ? और EMF है E1? Yes or no? तो क्या हम लोग E1 is equal to I into RH plus R लिख सकते हैं? हाँ, सब कुछ है, मान लो सब कुछ लेके ही सर्किट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। सो RH plus R ले लेंगे हम लोग, हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है? तो यहां से देखो, E1 मालूम है, I मालूम है, RH मालूम है, तो क्या हम लोग कैपिटल R नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, राइट? सो ये कैपिटल R AB के बीच में रेजिस्टेंस मान लो, हम लोग को पता है, वी नो दैट। तो क्या हम लोग ये कैपिटल R को रो एल बाय ए लिख सकते हैं? कैपिटल R को रो एल बाय ए लिख सकते हैं, राइट? तो हम लोगों को बेसिकली एल लेंथ भी पता है, तो और कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये रेजिस्टेंस पता है या नहीं कुछ है। अब मान लो ए और सी के बीच में अगर लेंथ मालूम है, तो क्या हम लोग इसका एसी का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे निकाल सकते हैं? रो एल बाय। सो बी ए भी क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बी ए भी ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी शुड बी इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, विच इज आई इंटू रो एल बाय ए, और बी ए सी कितना होगा? आई रो एल वन बाय ए, आई इंटू इसका वाला लेंथ लेंगे, रो इंटू एल वन बाय ए, राइट? तो ये जो एक्सप्रेशन से हम लोग बी ए बी बाय बी ए सी इक्वल टू करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? आई आई रो रो ए ए सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग पास? एल बाय एल वन, ठीक है? तो मतलब अगर हम लोग ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, एल वन अगर मालूम है, एल और एल भी मालूम है, तो हम लोग बी ए सी भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी निकाल सकते हैं, एंड इफ इट इज बैलेंसिंग दिस सर्किट एट नल पॉइंट, दैट इज जीरो सर्किट करंट, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ठीक है? सो हियर बी ए सी इज इक्वल टू ई, सिंस द लोअर सर्किट is in is open lower circuit is an open circuit. So हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, हम लोग सिर्फ यहां पर ये इसको कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर जहां पर जीरो रेजिस्टेंस आ रहा है वहां पर, सॉरी, जहां पर जीरो करंट आ रहा है वहां पर रोक देंगे, रोक के सिर्फ ये वाला लेंथ मेजर करेंगे और यहां से ये पूरा लेंथ मेजर करेंगे, तो उन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट विल बी बी ए बी बाय द ईएमएफ, सो यू कैन से बी ए बी बाय ईएमएफ इक्वल टू दैट इज ईएमएफ इक्वल टू बी ए बी इंटू एल वन बाय बी ए बी इंटू एल वन बाय एल, सो व्हाट वी नीड, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट क्या निकालना है हम लोगों को, VAB, L1 और L, ये तीन क्वांटिटी मालूम होने से हम लोग EMF of the cell मेजर कर सकते, ठीक है? सो जल्दी से ये वाला पार्ट लिख लो, कहां से लिखना है हम बता रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट, जल्दी से जो लिखा हुआ है बोर्ड में। Okay, the next thing we can do is comparing EMF of two cells. Comparing EMF of two cells. So, it's a very simple thing. You connect the first cell, or maan lo,
फर्स्ट सेल का ईएमएफ जो है वो एल वन लेंथ पे बैलेंस हो रहा है. अच्छा E डैश ले लेते हैं इसे. फर्स्ट सेल का ईएमएफ एल वन लेंथ पे बैलेंस हो रहा है E डैश ईएमएफ, और मान लो E डबल डैश ईएमएफ है वो एल टू लेंथ पे बैलेंस हो रहा है. सो राइट when the first cell is connected to the potentiometer, it is balanced at L1 length. And the second cell, is balanced at L2 length. Clear? Then E dash by E double dash is simply L1 by You understand why? ये अलग से लिखने का जरूरत है. E1 क्या होगा देखो, sorry, E dash क्या होगा? E dash will be I into R, R मतलब rho L1 by A, और E double dash will be I into rho L2 by A. Right, I into rho into L2 by A. So अगर हम लोग दोनों का रेशियो निकालेंगे तो E1 by E2, sorry. The first EMF by second EMF is equal to L1 by L2. As simple as that. ठीक है? लिख लिया सब लोगों ने? बना लिया? Give the next heading. Calculating the internal resistance of a cell. The internal resistance of a cell. So internal resistance of a cell कैसे measure करेंगे हम लोग? Internal resistance of a cell measure करने के लिए पहले हम लोग cell को normally connect करेंगे. We'll connect the cell normally. ठीक है? Let's write this down. First, the cell is balanced at L1 length. The cell is balanced at L1 length. हो गया? जैसे ये हम यहां पर बैलेंस किए थे वैसे नॉर्मल. नेक्स्ट द सेल इज शंटेड by a known resistance R. Do you remember what is meant by shunting? Shunt generally low resistance होता है, but the term shunting means just connecting a resistance in R. ठीक है? So मान लो इसके साथ हम लोग एक resistance parallel में connect करके, तो क्या ये balancing point same रहेगा? क्या होगा उसको? चेंज हो जाएगा. राइट नाउ अब टू ऑप्शंस, वो घटेगा या बढ़ेगा? व्हाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है. ठीक है? यहां पर गैल्वेनोमीटर जो यहां पर बैलेंस कर रहा है इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, इज दैट क्लियर? सो पहले ये क्या सर्किट में था जब ये नहीं था? सेल कौन सा सर्किट में था? ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? पहले ये ओपन सर्किट में था सर, लेकिन जैसे ही मैंने इस कैपिटल आर से शंट कर दिया उसे, अब ये ओपन सर्किट में है क्या? ना. देखो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पर भी करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन ये जो अपना छोटू सा सर्किट है ना, इसमें करंट फ्लो करेगा. सो द सेल इज नो लॉन्गर इन अ राइट, इट इज इन अ क्लोज सर्किट, बट वी आर बैलेंसिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल नाउ. राइट, सो पहले वाला जो केस था द सेल इज बैलेंस्ड एट लेंथ L1, तब वो क्या सर्किट में था?
ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या मेजर करते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस जो ओपन सर्किट में मेजर करते हैं उसका नाम क्या है? ईएमएफ, राइट। सो ओपन सर्किट में ईएमएफ मेजर करते हैं। तो यहाँ पर मान लो जो बैलेंसिंग पॉइंट आया था वहां पर E was proportional to L1, right? Can I say that? क्योंकि वो EMF मेजर कर रहा था। Now, next the cell is shunted by a node resistance R. Hence, the cell is now in a closed circuit. Closed circuit. क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में क्या बैलेंस करेगा? क्लोज सर्किट में मान लो बैलेंसिंग पॉइंट L2 है, ठीक है? सो लिखो, यहां पर लिखो इट इज बैलेंस्ड एट L2, क्लोज सर्किट, एंड इट इज बैलेंस्ड, गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड एट L2 लेंथ, गैल्वेनोमीटर इज बैलेंस्ड एट L2 लेंथ, galvanometer is balanced at L2 length. So can I write V is proportional to L2? Yes or no? Can I write V is proportional to L2? अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा होगा, L1 बड़ा होगा या L2 बड़ा होगा? इन साथ ही L2 क्यों बड़ा होगा? हम लोग सेल सिंपल सेल का सर्किट किए थे ना सर, सिंपल सेल का सर्किट किए थे, हाँ या ना बताओ? सब लोग सिंपल सेल का सर्किट किए थे ना। तो वहां पर जब डिस्चार्जिंग वाला सिचुएशन था, एकदम पहले वाला डिस्चार्जिंग वाला सिचुएशन, डिस्चार्जिंग के टाइम ईएमएफ बड़ा होता है या पीडी बड़ा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है या ईएमएफ बड़ा होता है? यू नो ईएमएफ इज ग्रेटर देन पी, सो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, ये क्वांटिटी, क्योंकि this is the EMF of the cell, or this V is the potential drop across the ends of the cell, terminals of the cell. So when our cell is discharging, potential drop is always less than EMF. So obviously L2 will be lesser. ठीक है? Is that clear? अब मुझे एक चीज बताओ, वहाँ से तुम लोगों को, so यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? Therefore E by V equal to L1 by L2. अब क्या तुम लोग को याद है जो हम लोग फॉर द स्मॉलर सर्किट, यहां पर जब करंट मान लो I डैश ले लेते हैं, ठीक है, एक छोटू सा करंट I डैश ये छोटा सा सर्किट में फ्लो करेगा, फॉर स्मॉलर सर्किट कैन आई राइट E इज इक्वल टू I डैश इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉलर? ये हम लोग कोई भी सिंपल सर्किट के लिए लिखते हैं, हाँ यार, I dash capital R plus I dash, ये I dash capital R को क्या बोलते हैं हम लोग? This is the potential drop, voltage drop. This is the V, right? So ये EMF के जगह में हम लोग लिख रहे हैं I dash into R plus R, और V के जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं? So ये I dash cancel हो जाएगा, अब क्या मिलेगा हम लोग को? यहां पर L1 L2 हम लोग मेजर कर सकते हैं, और कैपिटल R इज अ नोन रेजिस्टेंस, कैपिटल R इज अ नोन रेजिस्टेंस, तो स्मॉल R निकाल सकते हैं क्या? एंड स्मॉल R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है? Small r is the internal resistance of the cell. ये बनाने का कोई जरूरत नहीं है, this is a better way to remember. इसको फिर small r का value निकालो, उसको अलग से remember करो. So you can also understand it from this equation कि L1 बड़ा होगा और L2 छोटा होगा, ठीक है? L1 balances the EMF of the cell and L2 balances the potential difference. बोला गया है पहले सेल वन सेल इज बैलेंस्ड एट 60 सेंटीमीटर लेंथ
and then when a resistance of 1 ohm is shunted, new balance point is obtained at 30 cm. So, if we use this formula directly, 1 plus R by 1 is equal to 60 by 30. So, if we solve it, R comes out to be 1 ohm. Sir, 5 ohms. 1 ohm, 43, 1 ohm. Next question is 44. Same thing. Exactly. And Daniel sir gets balanced at 800 centimeter of a potentiometer wire when a 5 ohm resistance is connected across a terminal. Oh, it's a very easy stuff. Same.